टोटल जिस तरह का वॉयलेशन और जिस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल सवाल, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक होने की बात है। यहाँ महामहिम के पास हमने जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से डीसीडब्ल्यू चेयरमैन का पहले उन्होंने अपने आप अपॉइंटमेंट कर दिया, बाद में उसको चेंज कर दिया, एसीबी के ऊपर जिस तरह का उनका है, लोकायुक्त का जो अभी नियुक्ति नहीं हो रही है, और लगातार केंद्र सरकार की जो अवहेलना की जा रही है, लगातार उपराज्यपाल की अवहेलना की जा रही है, कानून की अवहेलना की जा रही है, सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा किया जा रहा है उसको लेकर के जो दिल्ली की चिंता है उसको लेकर के आज हम महामहिम के पास आए थे। राष्ट्रपति जी को हमने विस्तार से जो ज्ञापन दिया है उसमें बहुत सारी विषयों की जानकारी दी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उन्हें यह भी कहा है कि दिल्ली की सरकार और उनके मुख्यमंत्री लगभग हर विषय पर संविधान की हर धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, कानून का अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों का, सरकार में बैठे हुए उच्च पदस्थ अधिकारियों से लेकर और देश के प्रधानमंत्री तक हरेक के बारे में वो बहुत ही संकीर्ण और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की उनके मन में ऐसा लगता है कि देश के संविधान के लिए, देश की इंस्टीट्यूशंस के लिए और देश की इतने वर्षों से इतनी गरिमापूर्ण ढंग से चलने वाली राजनीति के लिए किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं है, जो कि देश के लिए चिंता का विषय है। भारत के इतिहास में आज तक भारत की राजधानी क्या, शायद पूरे भारत में इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी भी सरकार का, किसी भी सरकार के मुखिया का संभवतः नहीं रहा है। इन सब बातों का विस्तार से संज्ञान हमने राष्ट्रपति जी के सामने अपने सभी साथियों के साथ किया है और हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति जी स्वयं भारत के संविधान के बारे में, भारत की सारी राजनीतिक मान्यताओं के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, कानून के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में इतना अधिक ज्ञान रखते हैं कि निश्चित रूप से वो इसकी गहराई के अंदर जाकर इसका कोई ना कोई ऐसा हल निकालेंगे ताकि दिल्ली की सरकार को, जो दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया है, उसका वो सम्मानजनक तरीके से प्रयोग करे, उसका दुरुपयोग ना करे। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट होना चाहिए दिल्ली सरकार के फैसलों का? अब देखिए, उसको उसका शब्द प्रयोग कुछ भी कर लीजिए कि उसका ऑडिट होना चाहिए, कि उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, कि उसके अंदर एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी दिल्ली की सरकार कर रही है वो बहुत ही गलत, गैर जिम्मेदाराना और मेरे हिसाब से पूरी तरह से जन विरोधी है और दिल्ली की जनता के द्वारा दिए गए बड़े मैंडेट का बड़ा अपमान है।